Hello, I am Dr. Shipra Dua, Associate Professor in Department of Journalism and Mass Communication, Jagannath University. So today I am going to discuss stages of radio program production. What are that stages in production, what we should follow when we go for radio production? It is planned in three stages. First is pre-production, second is production, and third is post-production. प्री प्रोडक्शन वो स्टेज है जो वैसे बहुत लाइट लगेगा आपको सुनने में कि कुछ नहीं है, लाइक आपको कुछ भी नहीं करना, ये तो एक दिन का काम है. लेकिन प्री प्रोडक्शन वो स्टेज है जो पूरे प्रोग्राम के लिए आपका प्रोग्राम का फ्यूचर कह सकते हैं कि डिसाइड करेगा कि आपका प्रोग्राम कैसा होने वाला है, अच्छा रहेगा, इफेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा. बिकॉज प्री प्रोडक्शन में वो प्लानिंग और डेवलपमेंटल स्टेज है ये, जहां आप सारा प्लान करते हो कि कैसा होना चाहिए, क्या क्या रहेगा, स्क्रिप्टिंग कैसे होगी, बजट कितना होगा, कौन कौन बोलेगा, कौन कैरेक्टर्स होंगे, वो सब आपका प्री प्रोडक्शन में होता है. तो ये डेवलपमेंट स्टेज है. दिस बिगिंस विद द जनरेशन क्रिएशन ऑफ अ स्क्रिप्ट. ऑफकोर्स जितना भी स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोग्राम के लिए है, रिसर्च है, वो प्री प्रोडक्शन में होता है. अक्सर स्टूडेंट्स को ये होता है कि जब आप बोलते हो कि आप स्क्रिप्ट लिखो, तो स्टूडेंट्स जल्दी से फटाफट जो दिमाग में है वही उसको पेपर पे उतार देते हैं और आपको देते हैं. लेकिन वहां हो सकता है किसी को बहुत अच्छी नॉलेज भी है, तब भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां वो एकदम जो इंस्टेंट आपको मिलता है ना स्क्रिप्ट, वो आपको रिसर्च वाली स्क्रिप्ट से हल्का मिलेगा. तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट गो फॉर रिसर्च बिफोर राइटिंग. अनलेस A script is developed, it is difficult and there will be confusion on what type of program you are producing. Scripting का ये भी role है कि आपके लिए ये बड़ा important है जानना कि क्या रहेगा, क्या एक angle रहेगा पूरे program का. तो इसीलिए वो angle जो है वो pre-production में आपकी scripting decide करती है. और scripting के लिए मैं कहूंगी कि scripting का backbone जो है वो research है. Research किए बिना कोई भी program produce करना is like to impossible. रिसर्च के बिना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोग्राम, टू राइट डाउन अ स्क्रिप्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अलॉट ऑफ रिसर्च फॉर दैट. एक बहुत ज्यादा उस पर शोध चाहिए, रिसर्च चाहिए, तभी आप अच्छा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं. द स्क्रिप्ट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम. ये जो प्री प्रोडक्शन स्टेज है, इसमें स्क्रिप्टिंग पे हमने बात की कि रिसर्च इंपॉर्टेंट है. दूसरा, स्क्रिप्ट में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट हम लास्ट स्टेज की बात करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन की, जब एडिटिंग के लिए स्क्रिप्ट जाती है तो जरूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर साथ में हो. अगर वो स्क्रिप्ट एडिट हो रही है और आपने उसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो एडिटर के लिए ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि आपके स्क्रिप्ट को वो एडिट कर सके प्रॉपरली. आपको कहां साउंड इफेक्ट्स चाहिए, कहाँ आपको डायलॉग्स चाहिए, कितना म्यूजिक चाहिए या आपको नहीं भी चाहिए, वो सब आप अपनी स्क्रिप्ट में इंस्ट्रक्शंस को इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट स्टेज इज प्रोडक्शन. ऑफ कोर्स रेडियो, इफ आई टॉक अबाउट रेडियो प्रोडक्शन, दैट देयर इज ओनली रिकॉर्डिंग पार्ट दैट इज इंक्लूडेड. इफ आई टॉक अबाउट रेडियो प्रोडक्शन, देन देयर इज ओनली यू नो रिकॉर्डिंग पार्ट, माइक्रोफोन्स पार्ट, दैट वट माइक्रोफोन यू आर यूजिंग, कौन सा माइक्रोफोन आप यूज कर रहे हैं, आप कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सारा प्रोडक्शन स्टेज में आता है. क्योंकि रेडियो में सिर्फ यही है अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि स्क्रिप्टिंग ऑलरेडी डन है, स्क्रिप्टिंग आप कर चुके हैं. अब प्रोडक्शन में हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग होनी है. और आपको रिकॉर्डिंग कहने के लिए सिंपल लगता है कि आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे और प्रोडक्शन हो जाएगा रेडियो में, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफकोर्स क्रूशियल रोल प्ले करता है कि आपने माइक्रोफोन पोजिशनिंग कैसी की, आपने कौन सा माइक्रोफोन यूज किया, आपने कौन से रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा प्लेस ढूंढा, क्या वो साउंड प्रूफ था, और रिकॉर्डिंग करते वक्त आपने माइक को कितने डिस्टेंस पे रखा, वो पोजिशनिंग और माइक्रोफोन का टाइप, वो सब बहुत मैटर करता है जब आप रेडियो प्रोडक्शन करते हैं, जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं. सेलेक्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ साउंड थ्रू द मिक्सर आर ऑल पार्ट ऑफ द स्टेज. ये ऑनलाइन एडिटिंग भी हम उसको बोलते हैं, जब प्रोडक्शन के टाइम आप मिक्सर से ही ऑनलाइन एडिट
कर रहे होते हैं वो आजकल हम देखते हैं जब लाइव प्रोग्राम जा रहा होता है तो ऑनलाइन एडिट हो रहा होता है, तो आप साथ साथ मिक्सर से उसको आवाज ज्यादा जा रही है या आपको कोई साउंड इफेक्ट देने हैं, एडवर्टीजमेंट प्ले करना है, तो वो सब कुछ मिक्सर से ही होता है कंट्रोल, तो वो भी प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इज पोस्ट प्रोडक्शन। अगर हम फिल्म्स की बात करें, टीवी की बात करें, तो वहां पोस्ट प्रोडक्शन में और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो जरूरत पड़ते हैं, जैसे फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या और बहुत सारे ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं जो मैं अभी डिटेल में तो नहीं डिस्कस करूंगी, लेकिन हाँ वो रेडियो में इतने इंपॉर्टेंट, वहां हमें जरूरत भी नहीं है रादर। दिस स्टेज जनरली इंक्लूड्स एडिटिंग, साउंड्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड डबिंग इफ रिक्वायर्ड। अब यहाँ रेडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज डबिंग। क्या होता है कि हमने रिकॉर्ड कर लिया, सारा रिकॉर्ड किया, बट कभी कभी हमें जरूरत पड़ता है, जैसे रेडियो ड्रामा है तो वहां पर हम डब कर लेते हैं, बाद में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे कहीं हमें लगा कि जब हमने रिकॉर्डिंग की तो वहां बहुत बेटर, कोई हमें एम्बियंस नहीं था या आवाज आ गई या कोई शोर आ गया, तो वहां पे क्या करते हैं उसको हम डब कर लेते हैं। आपने एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया और उस पर आपने उसको एडिट कर दिया, तो ये भी ये पोस्ट प्रोडक्शन का पार्ट है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन जो है वो आपके अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो पोस्ट प्रोडक्शन वो है जो अगर आप एक घर बिल्ड करते हैं तो उसमें सब कुछ हो चुका है, लेकिन आप जब लास्ट स्टेज जो है, जब आप उसमें आप फाइनल टच दे रहे हो, उसको डेकोरेट कर रहे हो, सेम विद रेडियो प्रोग्राम, जब आप पोस्ट प्रोडक्शन में आते हैं तो आपको कई बार साउंड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां आप उसमें एड ऑन कर देते हो और उसी से ही वो इमोशन क्रिएट हो जाता है। हमने ऑब्जर्व किया है कि जैसे कुछ प्रोग्राम्स हैं या प्राइवेट रेडियो जो है वो बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के, बिना बीजीएम के प्रोग्राम कोई भी प्ले नहीं करता, क्योंकि म्यूजिक से ना एक चार्म आ जाता है, सुनने में अच्छा लगता है, तो इंटरेस्टिंग लगता है, बोरिंग नहीं लगता। इसीलिए पोस्ट प्रोडक्शन में हम वही करते हैं जहां हमें लग रहा है कि एक तो ऑफ कोर्स जो जरूरत नहीं है पार्ट वो तो एडिट होता ही है, उसके अलावा हम जो उसमें एड ऑन कर सकते हैं वो भी हम पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग में करते हैं, पुटिंग टुगेदर द प्रीवियसली रिकॉर्डेड साउंड एंड सिलेक्शन ऑफ साउंड आर इम्पॉर्टेंट। द पर्पज ऑफ एडिटिंग कैन बी समराइज एज टू अरेंज रिकॉर्डेड मटीरियल इन टू अ मोर लॉजिकल सीक्वेंस टू रिमूव द अनइंटरेस्टिंग रिपीटेटिव और टेक्निकली एक्सेप्टेबल पोर्शन अनएक्सेप्टेबल पोर्शन टू कंप्रेस द मटीरियल इन टाइम फॉर क्रिएटिव इफेक्ट टू प्रोड्यूस न्यू पोजिशन ऑफ स्पीच म्यूजिक साउंड एंड इवन साइलेंस। जैसा मैंने कहा कि हम कंप्रेस भी करते ही हैं जो जरूरत नहीं है, रिपीटेटिव है, कई बार जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे टेक्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन एरर्स होती हैं, आप बोलते बोलते कई बार फंबल हो गया, आप बोलते बोलते अटक गए, तो दैट इज ह्यूमन एरर, और वो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो पोस्ट प्रोडक्शन में आप उसको बेटर कर सकते हो, जहां आपको रिपीटेटिव लग रहा है कि ये बहुत रिपीटेटिव है, इसको आप चेंज कर एडिट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, प्लस जहां आपको लग रहा है कि पोजिशनिंग ऑफ स्पीच कैन बी बेटर, लाइक साइलेंस कैन बी यूज, आपने प्री रोल पोस्ट रोल तो है ही है, प्लस आप साइलेंस को भी कई बार रेडियो में बहुत यूज करते हैं, जैसे आपने एक बार कुछ इस तरह का सीन क्रिएट करना है जहां सन्नाटा है, या आपने कोई दुख भरी बात किसी को बतानी है तो आप एक बार चुप हो जाते हैं बोलने से पहले, तो वो जो साइलेंस है रेडियो में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वहां वो हम पोस्ट प्रोडक्शन में उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर दी थ्री स्टेजेस, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, दीज थ्री स्टेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेडियो प्रोडक्शन। थैंक यू।